आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ पीरियड के पेन से रिलीफ पाने के लिए एक छोटा सा DIY। ऑलमोस्ट टीनेजर गर्ल्स हों या फिर 35 क्रॉस कर चुकी कई सारी फीमेल जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जब कभी भी उन्हें पीरियड आता है तो उन्हें पेन होता है। न सिर्फ पीरियड वाले दिन होता है बल्कि ये हर मंथ जितने दिन पीरियड रहता है, यानी कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जितने दिन तक उन्हें पीरियड रहता है उतने टाइम तक के लिए उन्हें पेन होता है। इसी दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैंने इस वीडियो में शेयर किया है एक बहुत ही आसान सा घरेलू नुस्खा, जिसे बहुत सारे लोग जानते ही होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ क्लियर तरीके से बताने वाली हूँ, कैसे आपको बनाना है, कैसे आपको पीना है, कितने टाइम तक के लिए आपको इसे पीना है, कितने टाइम तक के लिए आप इसे पी सकते हैं ताकि आपका दर्द जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, या फिर आप इसे स्टोर कर सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, ये सब कुछ मैंने आज के इस वीडियो में क्लियर किया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो इसे अपने उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिसे पीरियड में आप ही की तरह पेन रहता है। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी थोड़ी सी हेल्प जरूर हो जाए। तो चलिए मैं ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्टील का ये छोटा सा कटोरी और इसमें हम डालेंगे लगभग आधा गिलास के आसपास पानी। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, आप पतीला ले सकते हैं या फिर कोई भी छोटा फ्राई पैन ले सकते हैं जिसमें आधे गिलास के आसपास पानी आपका उबल जाए। मेरे लिए अभी ये फ़िलहाल काफ़ी था तो मैंने इसी में उबाल लिया है। पानी में ऐसे ही ऐसा उबाल आ जाए तो आप इसमें एक चम्मच भर करके डाल सकते हैं अजवाइन। आप चाहें तो इसकी मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक चम्मच अगर आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सिर्फ एक खुराक के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, यानी एक बार में आपको इस काढ़े को इतना अजवाइन डाल करके बनाना है। इसे हम लगभग 5 से 10 मिनट ऐसे ही धीमी आँच पर उबालेंगे जब तक कि अजवाइन का पूरा जो अच्छा क्वालिटी है, जो कि इसमें कह सकते हैं कि जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो गुड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी की सारी पानी में आ जाए। तो इसलिए कम से कम आप 10 मिनट तक इसे उबालेंगे और उसके बाद हम इसे छान करके अलग कर लेंगे। इसका कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो जाएगा, सिर्फ पानी में हमने उबाला है अजवाइन को और कुछ नहीं किया है। 10 मिनट के बाद इसकी जितनी गुड प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी पानी में आ जाएंगी। अब इसे करना क्या है, इसको आप जितना वॉर्म चाहें उतना ले सकते हैं, हल्का गुनगुना कह सकते हैं ना, कि थोड़ा सा मुंह में लगना चाहिए कि ये गर्म है। और इसमें मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ले रही हूँ काला नमक। आप चाहें इसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, काला नमक ऐड कर सकते हैं। आप अगर मीठा पसंद करते हो तो इसमें हनी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसमें सारी चीज़ें स्किप करके सिर्फ हींग डाल सकते हैं। और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं ये हल्का अभी वॉर्म है, यानी कि चाय की तरह है ये, और हमें ठीक इसी तरह से पीना है। और ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा करता है, यकीन मानिए। अगर आप इसे पियेंगे आपके पीरियड का दर्द छूमंतर हो जाएगा, कोई और दवा लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अजवाइन कई तरीके से हमारे पेट के ऐंठन के लिए, पेट के दर्द के लिए, लोअर स्टमक के पेन के लिए, जब हमारी डिलीवरी होती है तो हर तरीके के दर्द के लिए अजवाइन पानी दिया जाता है, और पीरियड के दर्द के लिए भी इसे लिया जाता है। आप इसे दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं और महीने में सिर्फ और सिर्फ 6 बार यूज कर सकते हैं और नहीं। मैंने इस वीडियो में हर एक चीज़ क्लियर कर दी है कि आपको कैसे बनाना है, कैसे पीना है, कितने दिनों के लिए पीना है, कितनी बार पीना है, और जब तक पीरियड आपको आ रहा है, जब जब आपको पेन हो रहा है, तब तक आपको इसे कैसे लेना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने की। और फिर से बोल रही हूँ, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी तो इसे अपने उस फ्रेंड्स के साथ, अपने उस फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिसे पीरियड में सेम प्रॉब्लम होती है। चलिए मैं आपसे मिलूँगी विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।